नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको ताने। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। तो आज हमारा है चेकआउट डे। सो पूरा हमने सामान ऑलरेडी नीचे लेके गए हैं, तो अभी कुछ भी नहीं है। और अभी सीधे यहाँ से हम निकलने वाले हैं कुल्लू, और कुल्लू जाने के बाद वहाँ पे हम कुल्लू वैली जाने वाले हैं, फिर पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है। प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, थोड़ा पानी चेंज होने की वजह से थोड़ा आवाज़ चेंज हुआ है। तो ठीक है, पैराग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग भी करने वाले हैं, पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, उसके बाद में कुल्लू वैली घूमने वाले हैं, और सबसे मेन शॉल फैक्ट्री भी जाने वाले हैं। तो देखते हैं, क्योंकि आज शाम को 6 बजे हमारी वोल्वो है सीधे दिल्ली के लिए। तो अगर जितना पॉसिबल होगा उतना हम ट्राई करेंगे आज घूमने का और एडवेंचर भी करने का। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस दिस व्यू। तो ठीक है, अभी निकलते हैं, बैग वगैरह लेते हैं नीचे, और सीधे अभी निकलते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी डन। तो निकलते हैं और मिलते हैं सीधे कुल्लू में। तो अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने कुल्लू में। कुल्लू में तो अभी हमने यहाँ से 143 करके, आप एक नंबर है शॉप नंबर काउंटर नंबर, तो यहाँ से हमने पैराग्लाइडिंग के लिए इनसे टिकट लिया है। अभी हम सीधे ऊपर जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, इनकी कार है तो हम वहाँ पे जाएंगे ऊपर, और वहाँ से पूरा 1 घंटा लगेगा पूरे एडवेंचर करने में। 40 मिनट ऊपर जाने में लगते हैं, उसके बाद पैराग्लाइडिंग है 10-15 मिनट, फिर नीचे आएंगे, फिर यही इनके कार से सीधे हमारे कार के यहाँ पे आ जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं बहुत डरा हुआ हूँ फिलहाल, लेकिन देखते हैं। मजेश, तुम तो लिपस्टिक लगा रहे हो यार पैराग्लाइडिंग करते वक्त। हाँ, यहाँ पे मेरी फटी, थैंक यू। नहीं लगाएगा तो वोट चल जाएगा। ठीक है, pray for me, I'll keep it back there, pray for us, sure. thank you, all the best, thank you, bye. निकलते हैं, हाँ हाँ, निकलते हैं सीधे। मेरे पास तो मेरा कैमरा है, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, how's the Josh? हालत खराब है। हम डेंजर से जो यहाँ पे आए हैं सच में। ठीक है संगु, हाउ इज द जोश? हाय सर। तो अभी हम आए हैं जहाँ पे लैंडिंग होती है, सब पैराशूट की वहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमारे लिए पैराग्लाइडर लेंगे और पायलट लेंगे, और उसके साथ फिर हम 3 बंदे हैं, मयूरेश और संगमेश और मैं, तो हम तीनों के लिए 3 पायलट आएंगे। फिर हम वहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऊपर जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, और उसके बाद फिर से यहीं पर लैंड करेंगे और फिर हमारे कार तक जाएंगे। तो अभी तो हालत बहुत टाइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब तरफ पैराशूट ही पैराशूट है। तो ठीक है, हाँ, और मैं सोच रहा हूँ 360 लेके जाने का, लेकिन मेरे पास कोई रस्सी नहीं, तो मैंने ये जुगाड़ किया है, अभी देखते हैं ये काम करता है या नहीं। बातें करे दो हर फी, सो हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, और मैं बहुत भगवान का नाम ले रहा हूँ जिसमें जय जय राम कृष्ण हरी।
जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। गणपति बाप्पा बोर्या, मंगल मूर्ति बोर्या। तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी, दस दे कितना गल तैनू समझावानी, वो अब तू छड़ दे उनू जो है तेरे नाम। तो यहाँ से हमको पैराग्लाइडिंग करना है, तो मयूरेश रेडी है, वहाँ पे संगू रेडी हो रहा है, और यहाँ से हो रही है पैराग्लाइडिंग। ब्रो हाउस द जोश। You don't see the things I see, I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Ooh, oh, oh, you in round with Jubilee. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. ठीक है, तो मैं just land हो गया। खतरनाक experience है। तो मेरे साथ है साहिल भाई थे। साहिल भाई, एक बार आपका introduction दे दो। प्रोडक्शन में आप कितने साल से आप कर रहे हो? मुझे 5 years हो गए। 5 years हो गए। तो मेरे जो पायलट थे वो साहिल भाई थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और एक स्विम भी किया मैंने एडवेंचर, तो उसके अलग से चार्जेस है। तो एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है, बहुत मतलब लाइफ में एक बार करना चाहिए। ये देखो हो, सो बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने मेरा 360 यूज़ किया, तो मैं 360 की वीडियो डालूंगा, हाँ वो एक बार ज़रूर देखना। ग्रेट सक्सेस। तो अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है और अगर आप मनाली आ रहे हो ये साइड हिमाचल, तो सोलंग वैली में करने से अच्छा आप कुल्लू में करो, क्योंकि कुल्लू में टाइम भी ज़्यादा है, 8 मिनट है। वो अपने ही कार से ऊपर लेके जाते हैं, 3500 लगते हैं, अपने ही कार से ऊपर लेके जाते हैं पूरा वहाँ पे पहाड़ पे, और वहाँ से पूरा हम नीचे आते हैं। तो ये 6 से 8 मिनट तक पूरा हम ऊपर ही रहते हैं। अगर आप सोलंग वैली में करोगे तो वहाँ पे बहुत छोटा है, वहाँ पे 2 से 3 मिनट तक ही है, और वहाँ पे भी सेम रेट है 3500, तो वो इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे जो पूरा जो व्यू है ये सबसे बेस्ट है कुल्लू में। सो इस वजह से कुल्लू में ही ज़्यादा पैराग्लाइडिंग चलती है। तो अभी हम आए कुल्लू में शॉल फैक्ट्री। तो ये है शॉल फैक्ट्री कुल्लू मनाली की। तो यहाँ पे हैंडक्राफ्टेड होती है शॉल्स, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे शॉल मिलती है, क्या है। और अगर मैंने कुछ शॉल लिया तो मैं आपको दिखा दूँ रेट कैसे है, क्या है। तो बिल डन, मेरा अराउंड 4200 का बिल हुआ है। बाकी के लोग बिल कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी के लोग अभी भी कुछ देख ही रहे हैं उनके लिए। तो शॉपिंग डन विद दिस व्यू।
और अभी जाते हैं कुछ खाना खाते हैं एंड कुछ खाना खाते हैं और उसके बाद रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं। चल सो अभी हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, तो मुझे मोबाइल यहाँ पे रखना पड़ेगा, सिर्फ मैं कैमरा लेके जा सकता हूँ मेरा। सो कैमरा लेते हैं और पहले चेंज करते हैं और फिर सीधे जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। और अब कैमरा के शॉट्स एंजॉय करना। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Following your heart, keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. So river rafting done. कार वहाँ पे हमने चेंज कर लिया है और हमें अभी वहाँ पे होटल दिखा है, तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता ही किया है। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे एक वैष्णवी देवी टेंपल है, ये टेंपल। तो यहाँ पे हमारी जो है वोल्वो बस वो मनाली से निकलेगी, यहाँ पे 6:30 बजे आने वाली, तो हम यहीं पर रुकने वाले हैं। एक बार हमारा लंच हो जाए फिर हम वोल्वो से सीधे बोलो आने का सीधे दिल्ली निकल जाएंगे और दिल्ली से आगे। Later that same evening. So guys, how's your experience? It was good. मतलब यहाँ पे आने के बाद हमको मतलब स्नो तो नहीं मिला, लेकिन बाकी जो हमने एंजॉय किया टाइम वो अच्छा था। हमने मतलब पैराग्लाइडिंग अच्छे जगह पे किया हमने बबलू भैया ने। तो बबलू भैया मैंने जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की, हमारे वही कैब ड्राइवर थे। तो मैं बबलू भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लगेगा तो आप उनको कॉल करके देख सकते और पूछ सकते कि मनाली के बारे में। और स्पंदना, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई मिस द पैराग्लाइडिंग। प्लीज डोंट मिस द पैराग्लाइडिंग एट कुल्लू। सो बेटर, इट्स बेटर टू डू इन कुल्लू रादर देन सोलंग वैली। एंड वी डिड अ रिवर राफ्टिंग एट ब्यास रिवर एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड दिस वाज माय फर्स्ट रिवर राफ्टिंग। एंड या दो वी मिस द स्नो, वी एंजॉयड इट थरोली। What about you, bro? अरे एक्सपीरियंस के मामले में बोला जाए तो भाई अगर आ रहे हैं तो पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग करके जाना, और खास करके लड़के को तो लेके मत आना, क्योंकि सोच होते यहाँ वहाँ यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है करके करके तुम्हारा पूरा प्लान ऐसे आधे में डुबा देगा। तो ये एक चीज़ है जो तुम दिमाग में रखना अगर आ रहे हो अगली बार फिर से मना ले। तो ओके गर्ल्स, हाउ इज योर एक्सपीरियंस About Manali trip? Yes. Experience was very nice actually. Initially we were actually not very much comfortable with the weather, but then slowly we got comfortable with all of it. And yes, most of the activities are very nice over here. Unfortunately, we could not experience the snowfall, but yes. अरे everyone so is saying Manali. The same. Okay, so now you are comfortable. तो और कितने दिन रहना है मनाली में? मुझे अपने घर जाना है। घर जाना है? सिंचना? Yeah. How's your trip? Yeah, it was good. That's it? Yeah. Little scary for me. It was river rafting. It was scary, but it was good. And the bad thing was I didn't experience snowfall. No, that is the bad. Oh. That's it. Okay. Now we are back to Bangalore. Bangalore. Yeah. So, hey guys, all trip done. अभी
ट्रिप खत्म होने में आई है। तो अभी हम खड़े हैं वैष्णो देवी माता मंदिर, जो कुल्लू का फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे खड़े हैं। अभी हमारी बस आएगी वोल्वो, तो सीधे यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से मैं मुंबई एंड देन धुले। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ट्रिप काफ़ी बढ़िया हुई, आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन मोस्टली ट्राई करो कि जनवरी और फरवरी मंथ में आना, क्योंकि आपको अच्छा स्नो वगैरह मिलेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा स्नो नहीं मिला, तो हम जो जितना सोचा था उतना एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन यस हमने एडवेंचर्स वगैरह किए, सब घूमे और बेस्ट है, यहाँ पे सब अच्छा है। सिर्फ थोड़े बहुत स्कैम होते हैं तो उनसे बचो। दो चार जगह पे अगर आपको लगा तो दो चार जगह पे कोई चीज़ आप अगर परचेस कर रहे हो तो उसकी प्राइस पूछ लो, या फिर कोई एडवेंचर कर रहे हो तो उसकी प्राइस पूछ लो, ये अगर आप करोगे थोड़ा सा तो बहुत अच्छा होगा। एंड ठीक है, सो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।